Hello, good morning my dear students. Today we are going to next class start. EVS class 2nd lesson 6 all about food. हम all food के बारे में हमको क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आते उसके बारे में हम पढ़ने जा रहा है. तो healthy food, kinds of food, safe food इसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहा है. ओके डियर चिल्ड्रन, फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. खाना हमारा जीवन में बहुत जरूरी है. इट कीप्स अस हेल्थी एंड एक्टिव. वो हमको एकदम हेल्थी एंड एक्टिव रखता है. वी शुड ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. हम अलग अलग तरीके के खाना खाते हैं. फूड गिव्स अस एनर्जी एंड हेल्प अस ग्रो. फूड हमको ताकत देता है और बढ़ने के लिए हमको हेल्प करता है. ओके नेक्स्ट, व्हाट यू ऑलरेडी नो. आपको अभी तक क्या क्या आपको पता है, आपको क्या क्या पता होना चाहिए, पता है ये क्या क्या आपको जानता है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ. क्या मुझे क्या आता है, मुझे क्या करना है. ठीक है, स्टेट द नेम्स ऑफ फूड दैट हेल्प अस लीव एंड ग्रो. हमको खाना स्टेट द नेम्स ऑफ फूड दैट हेल्प अस लीव एंड ग्रो. हमको जीने के लिए और बैठने में मदद करने वाला फूड के बारे में हमको जरूरी बताना चाहिए. ओके नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द डिफरेंट सोर्स ऑफ फूड. अलग अलग तरीके के खाना मींस अलग अलग सोर्सेस ऑफ फूड, कहाँ कहाँ से हमको फूड मिलता है. ओके विभिन्न स्रोतों की पहचान होना चाहिए, कहाँ कहाँ से हमको फूड मिलता है उसका भी उनको भी हमको पता होना चाहिए, पहचान होना चाहिए. ओके आइडेंटिफाई ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर आस 3 meals इन ए डे. देखो हमको ये भी पहचान होना चाहिए, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर आस 3 meals इन ए डे. 1 day में एक दिन में हमको 3 types की मील्स होते हैं. फर्स्ट ब्रेकफास्ट होते हैं, सेकंड लंच होते हैं, थर्ड डिनर होते हैं. मैं सोचता है आप लोग भी 3 times खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर. ओके नेक्स्ट, स्टेट द हेल्थी फूड हैबिट्स दैट वन नीड टू फॉलो. हमको भी एकदम हेल्थी फूड का आदत के बारे में बताना है और जिनका पालन करने की आवश्यकता भी है. जो हेल्थी फूड की बारे में हमको क्या होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए और उनका पालन भी करना हमारा ज़िंदगी में हमारा ज़रूरी है. ओके नेक्स्ट, हम पढ़ने जा रहे हैं हेल्थी फूड. हेल्थी फूड के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. देखो फूड इज़ बेसिक नीड ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. हमारा ऑल लिविंग थिंग्स, जो लिविंग थिंग्स क्या होता है तो आप लोगों को मैंने पिछले बार पहले 5th lesson में मैंने आप लोगों को अच्छा से समझा के पढ़ाया है. लिविंग थिंग्स जो जिसका अंदर वो श्वास होता है, खाना खाता है, चलते है, फुलते है, ये इनको हम कहता है लिविंग थिंग्स. वो हर लिविंग थिंग्स को क्या ज़रूरी है, उसको आवश्यकता क्या ज़रूरी है, उसका आवश्यकता क्या है, इसका ज़रूरत क्या है. ये फूड हर लिविंग थिंग्स में क्या होना चाहिए, क्या चाहिए, फूड ज़रूरी है. ओके इट इज़ एसेंशियल फॉर आवर ग्रोथ. वो हमारा ग्रोथ का, हमको बढ़ने का आवश्यकता है, आवश्यक है फूड हमारा. आगे हम बचपन से, हम जब मम्मी की पेट में जन्म होता है तब से हम जब तक बड़ा होके मरते हैं तब तक, जब तक हम जिंदा रहता है तब तक हमको किसका आवश्यकता होता है, फूड की आवश्यकता होता है. ओके वी ईट फूड टू लीव ग्रो रिमेन हेल्थी एंड एक्टिव. वी ईट फूड, हम खाना खाते हैं हमको किसके लिए, टू लीव रहने के लिए, बढ़ने के लिए. हमारा हेल्थी फूड हमको क्या होना चाहिए, जीवित रहने के लिए खाना खाते हैं और स्वस्थ और सक्रिय
रहता है, हमको एक्टिव रहता है। हमको क्या चाहिए? जीवित रहने के लिए, हमको एकदम हमको जीने के लिए किसका आवश्यकता होता है? फूड की आवश्यकता। हमको फूड जरूरी है हमको जीवित रहने के लिए। एवरी टाइप ऑफ फूड इज़ इम्पोर्टेंट। हर तरीके से खाना, हर प्रकार की फूड, हर एवरी टाइप ऑफ फूड इज़ इम्पोर्टेंट। हाउ एवरी तरीके के खाना जरूरी है। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड हेल्प अस इन डिफरेंट वेज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, अलग अलग तरीके के खाना, डिफरेंट वेज, अलग अलग जगह से हमको मिलता है, अलग अलग वेज, अलग अलग वेज से हमको मिलता है। विभिन्न प्रकार के फूड हमें विभिन्न तरीक़े से मदद करते हैं। ओके, अलग अलग तरीक़े से हमको मदद करता है। फूड मेनली ग्रुप्ड इन द फॉलोइंग थ्री कैटेगरीज। फूड हमको थ्री कैटेगरी से मिलता है। भोजन का मुख्य रूप विभिन्न तीन कैटेगरी से हमको मिलता है। ओके, फर्स्ट हम देखता है फूड हमको थ्री टाइप्स में हमारा जीवन में होता है। देखो, फर्स्ट एनर्जी गिविंग फूड। जब फर्स्ट जो फूड, अलग अलग प्रकार की फूड होता है, जो फूड हमारा जीवन में कैसे ज़रूरत होता है, किस किस चीज़ में ज़रूरत होता है, इसके लिए हम पढ़ेंगे आज एनर्जी गिविंग फूड। फर्स्ट होता है एनर्जी गिविंग फूड, हमको ताकत देने वाला फूड। ओके, फर्स्ट क्या है? हमको ताकत देने वाली फूड, ऊर्जा देने वाली फूड। एनर्जी मीन्स ऊर्जा, हमारा शरीर में ऊर्जा देने वाला फूड। ओके, नेक्स्ट बॉडी बिल्डिंग फूड, हमारा शरीर को मजबूत करने का, निर्माण करने का फूड। ओके, नेक्स्ट प्रोटेक्टिव फूड, हमारा शरीर को सुरक्षित रखने का फूड। थ्री टाइप्स की फूड्स होता है। एक तो हमारा शरीर में एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। नेक्स्ट हमारा बॉडी बिल्ड करता है, हमारा बॉडी को संभाल के रखता है। थर्ड प्रोटेक्ट करता है, हमारा बॉडी को सुरक्षित रखने का फूड्स। ओके, लेट अस लर्न अबाउट दीस इन डिटेल्स। हम आज डिटेल्स, उनका डिटेल्स हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो, फर्स्ट दे की टू ईटिंग वेल इज टू एंजॉय ए वेराइटी ऑफ फूड फ्रॉम ईच ऑफ दीज फूड कैटेगरीज। ए वेराइटी फूड, अच्छी तरह से खाना की इन खातों श्रेणियों से प्रत्येक से विभिन्न प्रकार के भोजन का आदत लेना है। देखो क्या क्या है, एनर्जी गिविंग फूड, जो फूड हमको मिलता है उसको हम वो बहुत अच्छा से, है ना, बहुत अच्छा से जो खाना हम खाते हैं उसको हम एकदम मज़ा लेके खाना खाते हैं। ओके, तो देखो फर्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं एनर्जी गिविंग फूड। फर्स्ट एनर्जी गिव, हमारा बॉडी को एनर्जी, हमारा बॉडी को एनर्जी देने का फूड, ऊर्जा देने वाला फूड क्या क्या है उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। देखो, दिस गिव एनर्जी टू आवर बॉडी टू वर्क एंड प्ले। एक फूड, हम एनर्जी वाला फूड हम खाने से लिए हमको क्या क्या मिलता है, काम करने के लिए और खेलने के लिए हमको क्या देता है, एनर्जी देता है। देखो, सम एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी गिविंग फूड आर राइस, वीट, पोटैटो, शुगर एंड बटर। देखो कुछ एग्जाम्पल्स इधर दे रखा है। फर्स्ट एनर्जी गिविंग फूड राइस। राइस, चावल खाने से हमारा बॉडी में एनर्जी मिलता है। और वीट, गेहूँ खाते हैं ना, आटा, हैं, उससे हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। शुगर, चीनी खाने के लिए हमारा बॉडी में एनर्जी मिलता है। और पोटैटो, आलू खाने से हमारा बॉडी में ऊर्जा मिलता है। और बटर, है ना, बटर भी इधर एग्जांपल दे रखा है। तो बटर खाने से भी हमारा बॉडी में क्या होता है, एनर्जी मिलता है। ओके, नेक्स्ट देखो, बॉडी बिल्डिंग फूड, हमारा शरीर को बिल्ड करने वाला फूड। दे मेक अवर बोन्स एंड मसल स्ट्रॉन्ग। तो हमारा
बोन्स हड्डियों एंड मसल्स को क्या रखता है, स्ट्रॉन्ग मजबूत रखता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग फूड आर मिल्क, सीरियल्स, पल्सेस, चीज, फिश, एग्स एंड मीट। दे हेल्प अस ग्रो। ए फूड जो क्या क्या फूड्स है, मिल्क, सीरियल्स, सीरियल्स मीन्स अनाज धान्य, और पल्सेस दाल, दालों का चीज होता है, और चीज़ है, चीज़ हमको पता है ना, जो बोलते हैं पनीर है ना, और फिश मछली, एग अंडे, मीट, मांस, है सब कुछ हमारा बॉडी को बिल्ड करता है, उसको हमारा बॉडी बढ़ने के लिए, हमारा हड्डी को मजबूत रखने के लिए, हमारा मसल्स को मजबूत रखने के लिए हमको हेल्प करता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रोटेक्टिव फूड, हमको प्रोटेक्ट करने वाला फूड। ओके, क्या है, हमारा बॉडी को सुरक्षित रखने का फूड। देखो, दिस मेक अस एक्टिव, ये फ्रूट्स हमको एक्टिव रखता है, स्ट्रॉन्ग मजबूत रखता है, और प्रोटेक्ट सुरक्षित रखता है, अस फ्रॉम डिजीजेस, डिजीजेस मीन्स बीमारियों से हमको बचा के रखता है जो फूड्स। देखो, सम एग्जाम्पल ऑफ प्रोटेक्टिव फूड आर फ्रेश फ्रूट्स एंड फ्रेश वेजिटेबल्स। हमको बीमारियों से बचा के रखता है, हमको सुरक्षित रखता है, हमको बॉडी को मजबूत करता है, हमको प्रोटेक्ट बीमारियों से हमको बचा के रखता है, वो फूड्स है फ्रेश फ्रूट्स एंड फ्रेश वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने से हमारा बॉडी को प्रोटेक्ट रखता है। ओके, नेक्स्ट, वी शुड ईट ईच टाइप्स ऑफ फूड ड्यूरिंग द डे। हम हर तरीके से, एक एक फूड नहीं है, हर तरीके से खाना एक दिन खाना चाहिए, मतलब हमारा बॉडी को ताकत रखने वाला, सुरक्षित रखने वाला, बॉडी को बिल्डिंग करने वाला हर तरीके के फूड एक दिन हमारा हम खाना चाहिए। देखो, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड, ये तीन तरीके का फूड का एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बता दिया था, है ना। तो ये सारे फूड एक दिन हमारा हम खाना चाहिए, राइस नहीं तो व्हीट, पोटैटो, शुगर, और मिल्क, एग, फिश, पल्सेस, सीरियल्स, और वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये सब कुछ हम डेली हमारा रूटीन में, हमारा डेली खाने में ये सब कुछ होना चाहिए। ये पूरा खाने के लिए नहीं कहती, इसमें से एक एक चीज़ हर डे, पर डे में हमारा खाने में, फूड में होना चाहिए। और वी मस्ट ऑल्सो ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे। हमको क्या और क्या भी चाहिए, एक खूब पानी भी, हमको खाना खाने के साथ हम खूब पानी भी पीना चाहिए, प्लेंटी ऑफ वाटर, खूब पानी भी पीना चाहिए, हम खाने के साथ हम खूब पानी भी पीना चाहिए। ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर फर्स्ट वीडियो इज कंप्लीटेड, टुमारो आई विल सेंड सेकंड वीडियो। ओके, थैंक यू।